आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉन्ग टर्म शेयर्स में। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम TVS मोटर कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ें पहले हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि कैसे इसके प्रोडक्ट्स हैं और बाकी की चीज़ें हम आगे देखेंगे। TVS मोटर कंपनी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इन इंडिया में, अपने देश में, विद रेवेन्यू ऑफ 15,129, मतलब 17 और 18 में जो इनका रेवेन्यू था 15,129 करोड़। द कंपनी हैज़ एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 4 मिलियन टू व्हीलर्स एंड 120,000 3 व्हीलर्स, यानी 40 लाख के करीब टू व्हीलर्स इसने प्रोडक्शन किया था, और जो इनकी कैपेसिटी है, और 1,20,000 थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन करती है। TVS ग्रुप स्पैन्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, एविएशन, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, फाइनेंस, हाउसिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, सर्विसेज एंड टेक्सटाइल्स। हैज़ ओवर 90 कंपनीज अंडर द वन अम्ब्रेला, मतलब जो इस ग्रुप की कंपनियाँ हैं 90 कंपनियाँ हैं। और TVS ग्रुप टर्नओवर इंक्लूडिंग ऑल की सब्सिडरीज, यानी सब सब्सिडरीज कंपनियों को मिला के जो कंसोलिडेटेड एसोसिएट इज़ RS 59,000, मतलब 59,400 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18, अप्रॉक्सीमेटली USD 8.5 बिलियन। तो ये इन्होंने बताया है। अ व्हीकल फॉर एवरीवन इनका टारगेट है। और अगर हम इनके टॉप ब्रांड्स में देखते हैं, हम आगे फंडामेंटल्स भी देखेंगे और कंपेयर करेंगे प्राइस वाइज अभी सस्ती है या नहीं सस्ती है, वो भी हम चेक करेंगे। तो TVS मोटर कंपनी, इसके व्हीकल्स में अगर हम चलते हैं, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, मोपेड, थ्री व्हीलर्स। अगर मोटरसाइकिल्स में देखते हैं तो इनके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे अपाचे हो गया, अपाचे RTR हो गया, अपाचे RTR 204V, इस प्रकार के इनके कई अलग अलग ब्रांड्स हैं। और हाँ, और जिसमें कि ये प्रोडक्ट्स हैं, और मोपेड में अगर हम देखते हैं तो ये जो मोपेड है ये छोटे शहरों में या गांव में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो इसको एज ए कमर्शियल व्हीकल यूज़ करते हैं, जैसे कोई सामान को लाने ले जाने के लिए भी छोटे शहरों में या गांव में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये रहे इनके प्रोडक्ट्स। और अगर हम इनके कुछ फाइनेंशियल देखते हैं, सीधे अगर हम ग्रोथ देखते हैं, अगर साल दर साल नेट सेल्स अगर इनकी देखते हैं तो कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देती है ईयर ऑन ईयर। और अगर हम 2014 से भी पकड़ते हैं तो देखिए 8,384, 15 में 10,000, 16 में 11,000 समथिंग, और 17 में 12,000, और मार्च 18 में 16,000, और मार्च 19 में 20,000। तो जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त है। इसी प्रकार अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी लगातार साल दर साल ग्रोथ है। मार्जिन भी देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इस कंपनी में लगातार ग्रोथ है, ये हम स्टैंड अलोन के देख रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो भी ग्रोथ है साल दर साल। और नेट प्रॉफिट में भी अगर हम चेक करते हैं तो 2009 में तो खैर नेगेटिव में था, लेकिन उसके बाद 2010 से साल दर साल लगातार लगातार इसमें नेट प्रॉफिट में भी इनको ग्रोथ है, शुद्ध लाभ है। और EPS में भी जहाँ देखें तो साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ है और डिविडिंग पे आउट है। इस प्रकार से अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ या नेट प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 10 सालों में 18% से ज़्यादा की है, 5 सालों में 19% के आसपास है, और 3 सालों में 21%। उसी प्रकार
शुद्ध लाभ में, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे देखिए 5 सालों में 32%, 3 सालों में जो है यहाँ पे 21%, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए शानदार है, 3 ईयर्स की जो हम देख लेते हैं तो 25% के आसपास है, जो कि एक शानदार है। इस प्रकार अगर हम इनके पास रिज़र्व देखते हैं कि कितना कैश है रिज़र्व से देखते हैं तो 3,123 करोड़ रुपए है, ये मार्च 19 में। लेकिन बोरोविंग्स में यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई है, इनके पास जो कर्ज़ा है मार्च 18 में था 6,928 और मार्च 19 में 9,298 करोड़ का है, तो ये थोड़ा सा कर्ज़ा बढ़ा है इनका, लेकिन ये राहत की बात है, थोड़ा रिज़र्व है, लेकिन रिज़र्व अगर ज़्यादा रहता और कर्ज कम रहता तो अच्छी बात होती, लेकिन चलिए एक कमी है हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। पीयर कंपनियों में अगर हम देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर और टीवीएस मोटर कंपनी में तो करंट मार्केट प्राइस जो है हीरो मोटोकॉर्प की है इतनी 2622, आयशर की 17527 और टीवीएस की 388, तो पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग तो हीरो मोटोकॉर्प पहले आती है और आयशर मोटोकॉर्प 23 का है और टीवीएस मोटर्स का 26 का है, तो इस प्रकार से पी रेशियो थोड़ा सा अभी भी इंडस्ट्री अपनी कंपटीशन अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनियों के मुकाबले इसका ज़्यादा है प्राइस टू अर्निंग। मार्केट कैप वाइज भी देखिए यहाँ पे हालांकि कम है, और हाँ अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं मार्च 19 से जून 19 में तो सेल्स में ग्रोथ है, नो डाउट यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ है, 4,955 करोड़ की थी मार्च 19 में तो जून 19 में हो गई 5,018 करोड़ की, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखिए तो हाँ थोड़ी सी ग्रोथ है, सॉरी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था ये है, हाँ फिर भी ग्रोथ है यहाँ पे, जहाँ 500 करोड़ की थी तो हो गई 559 करोड़ की, और सीधे अगर हम नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो मार्च 19 में जो थी 138 करोड़ की वहीं हो गई 146 करोड़ की, तो ये भी ग्रोथ है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर हम जून 18 से जून 19 में कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर तो नेट सेल्स में तो ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट में जहां 155 करोड़ की थी जून 18 में पिछले साल वो जून 19 में हो गई 146, यहां पे थोड़ी सी डाउन साइड है, करीब करीब 4-5% के आसपास मेरे ख्याल से, तो इस तरीके से यहां पे 4-4.5% के आसपास अगर हम देखते हैं 155 करोड़ तो 146 करोड़ तो 8-9 करोड़ के आसपास की यहां पे डाउन साइड है क्वार्टरली वो ईयरली ईयर ऑन ईयर। एनीवेज चलिए आगे देखते हैं, अब अगर हम इसका प्राइस देखते हैं तो 369 रुपये के भाव पे आज ट्रेड और 19 रुपये की इसमें गिरावट है। ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो लगातार चाहे वो कार बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो या फिर चाहे अशोक लीलैंड हो, टाटा मोटर्स की कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है, चाहे आयशर मोटर हो, उसी प्रकार टीवीएस पूरा ऑटो सेक्टर में ही इसमें जो है, और इनको एक फरमान भी जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बजट के बाद कि इस इनको इलेक्ट्रिक करना है, खासकर जो टू व्हीलर्स हैं टू व्हीलर कंपनियां इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि 2025 तक इनको जो है किसी भी हालत में सब इलेक्ट्रिक कर देना है, अदरवाइज़ इन्होंने जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन शुल्क और जो भी सर्विस टैक्सेस वगैरह बढ़ाए हैं उस प्रकार से सेल्स कम हो रही है, शोरूम से जो है गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही, ये थोड़ा सा हो सकता आने वाले समय में इनकी सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले तो हो सकता है कि हमें प्राइस और नीचे के लेवल पे मिल सकता है, क्योंकि जब सेल्स कम होगी और रेवेन्यू कम होगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक प्राइस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे खैर हम पहले ये देख लेते हैं इनका अगर हम मार्केट कैप देखते हैं 18,460 करोड़ की है, करंट प्राइस है 388 का और बुक वैल्यू है 66 के, तो बुक वैल्यू के 5 गुना पे इसका प्राइस है,
अगर देखा जाए तो हाँ, 5 गुना के आसपास है। थोड़ा सा अभी भी बुक वैल्यू के हिसाब से हमें थोड़ा सा महंगा लग रहा है, और जिस हिसाब से इसका पी हमने देखा था और 26 का है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि और करेक्ट हो जाएगा तो फिर इसका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ सकता है प्राइस, और नीचे के लेवल पे, और जो कि संभावना लग रही है जिस प्रकार से अभी गिरावट का दौर चल रहा है। तो साल का जो हाई था 604, और अब लो बना चुका है 388 का। हालांकि लो बनाया 338 का, लेकिन अभी 388 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है, और अगर हम प्रमोटर्स का देखते हैं फाइनेंशियल पे, तो यहाँ पे जो टोटल डेट है, अच्छा यहाँ पे बोरोइंग कुछ डिफरेंट दिखा रहा है। एनीवेज हम आगे चेक करेंगे। रिजल्ट्स हम देख ही चुके हैं। हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास है 57 से ज़्यादा की होल्डिंग, ये एक अच्छे नंबर्स हैं, और बाकी की FIIs हैं, DIIs हैं। तो जिसमें से म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांस फंड है, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। और प्रमोट अगर कोई शेयर गिर भी तो नहीं, ये भी हम चेक कर लेते हैं, शेयर प्लेस्ड बाय प्रमोटर्स। तो अगर कोई शेयर गिरवी नहीं है तो बहुत अच्छी बात होगी। और हाँ, प्रमोटर्स के पास 57.4 की है, लेकिन यहाँ पे निल है शेयर्स प्लेस्ड फॉर अदरवाइज, तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं। ये एक अच्छी और बात है इस कंपनी के लिए। तो नो डाउट फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से ये प्राइस चल रहा है, और ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार से पिटाई अभी हुई है, काफ़ी नीचे के लेवल पे आ चुके हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमें और गिरावट मिले। तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अगर अच्छे लेवल पे अगर हमें मिलता है तो लंबे समय के निवेशक इसमें जो है उस समय चूके ना स्टॉक लेने के लिए, आप जो बजट बना के रखे हों, या SIP इस समय जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है, कई सेक्टर्स में गिरावट है, तो उसमें मेरा ये सुझाव है कि अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लान के तहत, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बड़ा आदमी बनने से। और उससे क्या होता है कि लॉस बच जाता आपका। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनियों में ही SIP करें। तो मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करना चाहूँगा। आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स और लाइक्स में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।